हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेटर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शन के थ्रू एक नए प्रोग्राम का। ऑलरेडी देखिए, अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन से कैसे हम एक नॉर्मल प्रोग्राम लिखेंगे, फंक्शंस के जरिए कैसे हम जो है वो इफ का प्रोग्राम लिखेंगे, व्हाइल का, फॉर का, इवन फंक्शन के जरिए हम कैसे एरे में वर्क परफॉर्म करते हैं, वो सारे प्रोग्राम मैंने वन बाय वन आपको बता दिए हैं। और एक लास्ट कंसेप्ट बचता है फंक्शन में, वो ये बचता है कि अगर आप फंक्शन के जरिए टू डायमेंशनल एरे का कुछ वर्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। तो उसी क्रम में आज जो हम करने वाले हैं, प्रोग्राम करने वाले हैं, जो है राइट सी प्रोग्राम टू एड सब्ट्रैक्ट, यानी या तो एड करना है तो सब्ट्रैक्ट करना है टू डायमेंशनल मैट्रिक्स को। और हम मान के चलेंगे कि 3x3 का है, वैसे आपकी मर्जी, आप कितना भी मान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। और डेफिनेटली हमारा प्रोग्राम का जो फर्स्ट लाइन होता है वो क्या होता है, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। इसके अंदर हम लिखते हैं void, यानी फंक्शन देते हैं, और मान लीजिए एड मैट्रिक्स, एड मैट नाम का फंक्शन देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या जाएगा, तो दो मैट्रिक्स जाएगा, तो इंटीजर टाइप का एक मैट्रिक्स जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, जब एरे पास करते थे तो बस इतना लिखते थे, लेकिन 2D एरे में हमें जो है ना ये साइज भी देना पड़ता है, एक साइज तो देना पड़ता है। अगर आप चाहें तो दोनों का दोनों दे सकते हैं, 3x3 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बुक में जो दिया होता है, मतलब बुक बेसिकली देखिए पढ़िए इस तरीके से कि अगर आगे चल के आप कोई बुक भी प्रेफर करें तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाए। तो होता है कि फर्स्ट साइज दीजिए या ना दीजिए, सेकंड साइज आपको देना पड़ता है, ठीक है। और एक और चीज आपको, मान लीजिए इंटीजर टाइप का एक और दो है ना ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो दो मैट्रिक्स तो चाहिए होगा, तो एक और इंटीजर टाइप का आप क्या कर रहे हैं, 3x3 मैट्रिक्स क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। अब है अगर आप ये फिक्स कर देते हैं 3x3 के लिए, तो अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं फिक्स नहीं करूं, मैं रो और कॉलम्स भी भेजा करूं, ठीक है, तो आपको फिर यहां क्या करना पड़ेगा, यहां मैक्सिमम मानना पड़ेगा। तो उस केस में अगर आप मैक्सिमम मानना चाहते हैं तो अब आप, चलिए मैं मैक्सिमम वाला ही बता देता हूँ, वरना लोग कहेंगे सर आपने फिक्स क्यों कर दिया, 3x3 क्यों कर दिया, मैं ज्यादा करना चाहता था। तो मान लीजिए मैं यहाँ 10 कर देता हूँ, 10x10 में मैं मानूंगा, ठीक है, और 10 मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो रोज और कॉलम्स अब आप जितने चाहें उतने मान सके। यहाँ पे इंटीजर टाइप पे एक रो पास करना पड़ेगा, और इंटीजर टाइप पे यहाँ क्या पास करना पड़ेगा, एक कॉलम पास करना पड़ेगा। यहाँ पे देंगे क्या, सेमी कॉलोन। तो ये हो जाएगा मेरा प्रोटोटाइप। देखिए होता क्या है, बहुत सारे बुक में भी आपको मिलेगा, ये यहीं पे इसकी डेफिनेशन लिखना शुरू कर देंगे, यहीं पे आपको इसका डेफिनेशन लिखेंगे और इसके नीचे void main लिखेंगे, और इस फंक्शन को मतलब जो भी चीज होगा void main इसके अंदर जो भी कॉल करना होगा वो कॉल कर लेंगे, प्रोग्राम हो जाएगा। इस तरीके से भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं पहले ही, मतलब क्योंकि उस केस में क्या होता है, प्रोटोटाइप नहीं बना, प्रोटोटाइप इसलिए नहीं बना क्योंकि आपने शुरू में ही क्या कर दिया, उसको फंक्शन को लिखा और उसकी डेफिनेशन को भी क्या कर दी, क्रिएट कर दी। तो ये आपकी मर्जी है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो पहले फंक्शन लिख सकते हैं उसके बाद मेन लिख सकते हैं, तो उस केस में आपको प्रोटोटाइप देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहीं पर आप फंक्शन स्टार्ट करते हैं, उसकी डेफिनेशन लिख के उसको बंद कर देते हैं, तो सब कुछ पता चल जाता है फंक्शन के बारे में। लेकिन मेरा जो अप्रोच है वो अप्रोच ये होता है कि पहले मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं फंक्शन बनाता हूँ उसके प्रोटोटाइप को, उसके बाद मेन दिमाग में सोचता हूँ। देखिए प्रोग्रामर है ना, तो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो सोचने के लिए क्या चाहिए, मेन, क्यों, क्योंकि मेन से ही जो होता है आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है और खत्म होता है। तो अगर मेन से ही इस प्रोग्राम का आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट और एंड होता है तो सब कुछ मेन कंट्रोल करेगा। तो आप जब तक मेन को ही, मेन से ही तो आप सोचेंगे क्या क्या फंक्शनलिटी होगी, इसलिए मैं पहले मेन को प्रेफर करता हूं। आपकी मर्जी, आप किस तरीके से करना चाहें कर सकते हैं। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, इंटीजर टाइप का एक मैक्सिमम का, मान लीजिए एक ए लेता हूँ 10x10, ठीक है, कॉमा एक बी लेता हूँ 10x10, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लेता हूँ, एक मान लीजिए रो लेता हूँ और एक क्या लेता हूँ, कॉलम, यानी रो के साइज के लिए रो और कॉलम की साइज के लिए कॉल लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे प्रिंट करना पड़ेगा साइज के लिए ना, तो मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ प्रिंट एफ। मैंने यहाँ सेमी कॉलम इसलिए छोड़ा कि हो सकता है आगे किसी वेरिएबल्स की जरूरत हमें पड़े, तो हम यहाँ क्या देंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन एंटर नंबर ऑफ रोज, एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, रोज और कॉलम्स की संख्या जो है वो दोनों में बराबर होनी चाहिए, मतलब अगर इसको 3x3 करते हैं तो इसको भी 3x3 ही करना होगा, यानी कि अलग अलग कर देंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि यूजर समझदार है और वो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज दोनों मैट्रिक्स के लिए क्या दे रहा है, सेम दे रहा है, ठीक है। अब मैं उसको कहां रीड कर लूंगा, तो मैं उसको स्कैन कर लूंगा, स्कैन ऑफ %d%d कॉमा कहां, एम्परसेंट रो और कॉमा एम्परसेंट कहां, कॉलम में मैंने रीड कर लिया, तो मैंने रो और कॉलम को रीड कर लिया। चलिए अब इनपुट ले लेते हैं, तो इनपुट लेने के लिए आई और जे तो लेना ही पड़ेगा, आपको पता है टू डायमेंशनल मैट्रिक्स में कैसे इनपुट लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लूप, कि फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन थ्री, आई
प्लस प्लस, ठीक है, फिर इसके ठीक नीचे फॉर जे इक्वल टू जीरो, जे इज लेस देन थ्री और क्या जे प्लस प्लस। इसमें आप क्या करेंगे, आप ये ओपन करेंगे और यहाँ प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे, ये प्रिंट एफ स्लैश एन एंटर नंबर, ठीक है। अब वो जो नंबर देगा, जो भी कुछ नंबर देगा, ठीक है, वो रीड हो जाएगा हाँ स्कैन ऑफ, ठीक है, परसेंट डी कॉमा एम्परसेंट ए ऑफ आई ऑफ जे में क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। ये है मेरा फर्स्ट लूप, यानी कि ये मैं क्या करेगा, फर्स्ट मैट्रिक्स को रीड कर लेगा, और वो मैट्रिक्स कौन सा है, ए ऑफ आई ऑफ जे। अब मैं ये लूप कब लगाता, जब मैंने 3x3 का माना होता, लेकिन मैंने 3x3 नहीं माना है, मैंने यहाँ 10x10 माना है, और रो की संख्या रो में डाली है, कॉलम की संख्या कॉल में डाली है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आई इज लेस देन क्या रो, ठीक है, और मुझे यहाँ क्या लिखना होगा कि जे इज लेस देन क्या कॉलम, ठीक है, इस तरीके से मुझे लिखना पड़ेगा। अब ये फर्स्ट मैट्रिक्स की इनपुट हो गई, सेम सेकंड मैट्रिक्स की इनपुट लेते हैं, तो फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन क्या रो यहां लिखना पड़ेगा, और आई प्लस प्लस, ठीक है, और फिर फॉर जे इक्वल टू जीरो, जे इज लेस देन क्या कॉलम एंड जे प्लस प्लस, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, फिर प्रिंट करोगे प्रिंट एफ एंटर नंबर, यानी कि नंबर एंटर करो, और जो भी नंबर यूजर देगा उसको आप रीड कर लोगे कहा स्कैन ऑफ, ये वाला जो रीड करोगे परसेंट डी यानी इंटीजर में कॉमा परसेंट बी ऑफ आई ऑफ जे में आप क्या कर लोगे, रीड कर लोगे। तो ये हो गया आपको इनपुट फॉर क्या, सेकंड मैट्रिक्स, यानी आपने सेकंड मैट्रिक्स के लिए क्या कर ली, इनपुट ले ली। तो दो मैट्रिक्स की आपने इनपुट ले ली। अब आपके पास एक ए नाम का मैट्रिक्स है और एक बी नाम का मैट्रिक्स है, और इन दोनों को ही आपको क्या करना है, एड करना है। तो अब आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। मैंने इनपुट क्यों लिया, पता है आपको मैंने इनपुट क्यों लिया मेन में, क्योंकि मैंने यहां कहा था कि दो मैट्रिक्स में भेजूंगा। तो दो मैट्रिक्स कब आप भेजेंगे, आप किसी फंक्शन को कॉल करेंगे और आप कह रहे हैं कि आप दो मैट्रिक्स भेजेंगे, आखिर वो दो मैट्रिक्स कब भेजेंगे आप, जो जब आपके पास वो दो मैट्रिक्स होगा। इसीलिए मैंने मेन के अंदर, ठीक है, ये जो भी वादे होते हैं ना यहाँ पे, जो भी आप बताते हैं वो मेन के अंदर ही होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एड मैट नाम के फंक्शन में दो मैट्रिक्स पास होंगे और दो इंटीजर, तो ये दो मैट्रिक्स और दो इंटीजर मेन के पास जब तक होगा नहीं, वो मेन आगे कैसे भेजेगा। इसीलिए हमें सबको मेन में ही रीड करना होता है। और जब हमारे पास चीजें आ गई, अब हम इस फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो इसके बाद सीधे यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे क्या कि हम एड मैट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यानी एड मैट्रिक्स फंक्शन को। इसमें हम क्या क्या पास कर रहे हैं, तो हमें एक ए नाम का एरे यहाँ पास करना पड़ेगा, एक बी नाम का एरे पास करना पड़ेगा, एक रो को पास करना पड़ेगा, एक कॉलम को पास करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए आपने यही कहा है, यही सब आप पास करने जा रहे हैं, करने आ रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, ए नाम का मैट्रिक्स पास करेंगे, ये रहा ए नाम का मैट्रिक्स, ठीक है, कॉमा फिर बी नाम का मैट्रिक्स पास करेंगे, और रो को पास करेंगे, और क्या पास करेंगे, कॉलम को पास करेंगे। तो ये जैसे ही फंक्शन कॉल होता है सीधे कहां आता है, अपने डेफिनेशन पे आता है। तो हम यहाँ पे अब इसकी लिखेंगे डेफिनेशन, थोड़ी सी जगह कम करते हैं क्योंकि पता चले ज्यादा नीचे चले जाए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसको रेप्लीकेट करेंगे यहाँ पे क्या, तो void return type है, add mat नाम का क्या है फंक्शन है, और हमारे पास इंटीजर टाइप का एक ए नाम का क्या आ रहा है मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है, और एक इंटीजर टाइप क्या आ रहा है बी नाम का मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है, और एक क्या आ रहा है कॉमा। देखिए मुझे लगता है कि उधर शायद बोर्ड नहीं जा पाए, इसलिए मैं इसके नीचे लिखता हूँ कि इंटीजर टाइप मतलब रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाए, इंटीजर टाइप एक रो आ रहा है और इंटीजर टाइप क्या आ रहा है एक कॉलम आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना होगा, अब आपको बस चूंकि आपके पास वो दोनों मैट्रिक्स आ ही रहे हैं, सिर्फ आपको ऐड कर देना है या सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ इंटीजर टाइप का आप क्या मान लेंगे, मान लीजिए मैक्सिमम सी मान लेंगे, सी 10x10 का मान लेंगे आप, ठीक है, आपको पता नहीं है ना कि कितने साइज का वहां से आ रहा है, ठीक है, लेकिन रो और कॉलम तो आपको पता है, और लूप चलाने के लिए आई मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेमीकोलन देना भूल गया था, देखिए सेमीकोलन दे दीजिएगा। अब यहाँ पे एक आई ले लिया और एक जे ले लिया, ठीक है, अब लूप क्या लगाएंगे, तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं, फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन थ्री, आई प्लस प्लस, फिर वैसे ही फॉर जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन थ्री और जे प्लस प्लस, हम कहेंगे क्या सी के आई के जे में क्या डाल दो, ए के आई का जे प्लस बी के आई का क्या जे। और फिर से मैं वही बात कहूंगा, यहां मैं 3x3 नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे रो और कॉलम आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा आई लेस देन रो और यहाँ हो जाएगा जे लेस देन क्या कॉलम। बस ये क्या कर देगा, ये मेरा ऐड कर देगा। तो मेरा एडिशन हो गया और एडिशन हो के वो सी के आई के जे में आ गया। अब मुझे इस सी के आई के जे को क्या करना है, प्रिंट कर देना है। तो मैट्रिक्स को कैसे प्रिंट करते हैं,
तो मान लीजिए मैं एक मैसेज नॉर्मल चलिए नहीं डिस्प्ले करता हूँ, वैसे आप चाहें तो यहाँ एक मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास बोर्ड कम है। वो मैसेज क्या होता है, द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज, और मैट्रिक्स को फिर प्रिंट करने के लिए क्या होता है, तो ये लूप होता है फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन क्या रो, ठीक है, और आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर इसके अंदर आते ही है ना, आप क्या करते हैं प्रिंट एफ स्लैश एन कर देते हैं ताकि नए लाइन में आ जाए, और फिर जे का लूप लगाते हैं फॉर जे इक्वल टू क्या जीरो, जे इज लेस देन थ्री, नॉट थ्री, फिर से रो के बदले क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉलम, और ठीक है जे प्लस प्लस, और यहां आप प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ परसेंट डी स्लैश टी, इसलिए देते हैं ताकि टैब डिस्टेंस आ जाए, और फाइनल आंसर आपके पास सी के आई के जे में रखा हुआ है, तो सी के आई के जे को आप क्या कर देंगे प्रिंट कर देंगे, और ये बंद हो गया मेरा ये फॉर लूप, और ये मेरा बंद हो गया फंक्शन। तो देखिए जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ आया सी के आई के जे में, आई सी का 10x10 माना, आई माना जे माना, लूप लगा के एडिशन कर दिया, सी के आई के जे में डाल दिया, और सी के आई के जे को प्रिंट करके, जब ये फंक्शन बंद होगा सीधे वहीं जाएगा जहां से इसको कॉल किया गया था, यहाँ आया देखा मेरा काम तो खत्म हो गया। अब हमारा प्रोग्राम का काम खत्म हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, अब हमने कहा था मेन में हम इंटीजर रिटर्न करेंगे, तो हम यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न क्या जीरो रिटर्न कर देंगे, और ये हमारा बंद हो जाएगा क्या मेन फंक्शन। तो ये है एक प्रोग्राम जो क्या करता है, दो मैट्रिक्स को ऐड करने का काम करता है। सबट्रैक्ट करना हो तो बस यहाँ प्लस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, माइनस में बिल्कुल बाकी सारा काम कोई भी कहीं भी चेंज नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये कि जो मैंने बताया है ना कि यहाँ पे जो है ना इस पूरी चीज को यहां से यहां तक की चीज को ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाने जा रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक की चीज को उठा के आप ठीक यहां पे मेन के ऊपर पेस्ट कर लीजिए और ये लाइन हटा दीजिए, यहां से लेके यहां तक की चीज को उठाइए यहां पे पेस्ट कर लीजिए और इस लाइन को खत्म कर लीजिए, उसके बाद मेन को टाइप कीजिए। ये भी एक तरीका होता है फंक्शन से प्रोग्राम बनाने का, लेकिन क्या आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं, अगर आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फंक्शन में क्या करना है, तो फंक्शन पहले लिख लीजिए। मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूं, तो मुझे पता था कि मुझे मेन के साथ फ्लो करना है, तो मैंने मेन के साथ लिखा, इनपुट लिया, फिर मेरे दिमाग में अच्छा मैंने इनपुट ले लिया तो हम फंक्शन कॉल करेंगे, तो मैं यहाँ आया जगह छोड़ दी मैंने, फिर यहाँ पे फंक्शन कंप्लीट हुआ, ये वापस लौटा, तो ये एक प्रॉपर वे था। इसीलिए जब हम फंक्शन को डिफाइन मतलब बाद में करने वाले होते हैं तो हमें उसका प्रोटोटाइप पहले से बता के रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही आप मेन फंक्शन के अंदर आएंगे और इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसको अगर आपने पहले से बता के नहीं रखा यहाँ पे तो बोलेगा भाई ये कौन सा फंक्शन है। तो इसीलिए जब आप फंक्शन प्रोटोटाइप बताते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अगर प्रोग्राम में आगे कहीं उसको यूज करेंगे तो वो एरर नहीं थ्रो करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये फंक्शन तो है आगे लिखी हुई है। लेकिन अगर आप ये पहले ही लिख लेते हैं इसीलिए इस प्रोटोटाइप की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत सारे स्कूल्स में कॉलेज में ऐसा ही होता है। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।